तो भाई जो आज सामने खड़ी है भोकाल का दूसरा नाम फॉर्च्यूनर लेजेंडर का 2023 मॉडल एंड इस वीडियो में इसी कार का कंप्लीट डिटेल रिव्यू करेंगे। कार के क्या लुक रहने वाले हैं एंड कार के अंदर हमें क्या क्या फीचर मिल जाते हैं एंड प्राइस क्या रखे गए हैं इस कार के, इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले गाइस बात कर लेता हूँ इस कार के प्राइस के बारे में। तो सामने वाला मॉडल आप देख रहे हैं फॉर्च्यूनर लेजेंडर का 4x4 मॉडल जो डुअल टोन कलर की थीम के साथ आता है एंड इसके शोरूम प्राइस है 46.54 लाख रुपीज शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड आते आते ऑफ कोर्स आपको 55 लाख के समथिंग देखने को मिलेंगे। देहरादून के प्राइस हैं 55,20,000 ऑन रोड प्राइस पर आप इस कार को घर लेकर जा सकते हैं एंड इस कार पर वेटिंग पीरियड भी कुछ खास ज्यादा नहीं है एंड ये कार सिर्फ हमें ऑटोमेटिक के साथ ही अवेलेबल देखने को मिलती है। मैनुअल के ऑप्शन हमें इसके लोअर वाले मॉडल में देखने को मिलेंगे। सो गाइस अभी बात कर लेता हूं ओवरऑल कार के एक्सटीरियर लुक के बारे में। फ्रंट से देखेंगे तो भाई इसका कुछ फेशिया कुछ इस टाइप का आने वाला है, लेक्सस इंस्पायर्ड है कंप्लीटली एंड यहां पर कंप्लीटली एलईडी का सेटअप देखने को मिलता है। एलईडी डीआरएल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, यहाँ पर कॉर्नरिंग लैंप का फंक्शन भी दिया गया है। बाकी नीचे की साइड हमें फॉग लैंप मिल जाते हैं एंड फ्लोटिंग इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं जो कि डीआरएल का भी काम करते हैं एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। बड़ा सा टोयोटा का लोगो एंड 360 डिग्री की कैमरा की प्लेसिंग यहाँ पर नहीं दी गई है जो कि जीआर मॉडल में ही आती है एंड ग्रिल आप देख सकते हैं कंप्लीटली। यहाँ पर पियानो ब्लैक की फिनिशिंग दी गई है एंड ओवरऑल कार लुक के मामले में जबरदस्त है काफी ज्यादा एंड रोड प्रेजेंस तो भाई इसकी भोकाल आती है एकदम जब रोड पर चलती है तो लोग ऑफ कोर्स इस कार को मुड़ के देखते हैं एंड ये लेजेंडर वाला मॉडल कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है। नीचे की साइड सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दी गई है एंड नीचे की साइड भी ये स्प्लैश प्रूफ इंजन गार्ड दिया गया है प्रॉपर जिसकी वजह से चूहे वगैरह नहीं पड़ेंगे एंड बारिश के टाइम पर स्प्लैशेस भी नहीं आ जाएंगी। एंड अभी बात करूं कार के साइड लुक के बारे में तो साइड से भी काफी ज्यादा ह्यूज लुक आता है इसका एंड अलॉय व्हील का साइज बताऊं तो R18 इंचेस में देखने को मिल जाते हैं। क्रोम की फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है जो कि इस कार के अलॉय व्हील को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। बाकी ये डुअल टोन कलर की थीम के साथ आती है ब्लैक एंड व्हाइट जो कि भाई अलग ही लगता है रोड पर जब ये चलती है। साइड से देखते ही यहाँ पर क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ORVM पर ही हमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एंड कोई भी 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसके GR वाले मॉडल में आता है वो। बाकी नीचे की साइड ये पडल लैंप मिल जाता है, पडल लैंप वैसे रात के टाइम पर काफी ज्यादा यूजफुल होता है। बाकी का इस कार के ओवरऑल बैक लुक के बारे में बात करूं तो भाई बैक से भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है एंड पीछे की साइड DRL की प्लेसिंग देखने को मिल जाती है एंड फ्लोटिंग इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि कम्प्लीटली LED में ही दिए गए हैं। यहाँ पर बस ये हेलोजन में रिवर्स पार्किंग लैंप मिल जाते हैं, बाकी सभी कुछ यहाँ पर कम्प्लीटली LED का ही सेटअप मिलता है एंड ऊपर की साइड ये देखेंगे तो भाई रूफ के ऊपर ये ऐसा लगता है जैसे रैपिंग करा रखी हो, बट ये मैट फिनिशिंग में रैपिंग नहीं है, कम्प्लीटली कलर ही ऐसा है जो कि इसको फिनिशिंग दी गई है। बाकी आप अगर इस एंगल से देखेंगे, अभी ऊपर से दिखाता हूँ, तो ऊपर की साइड में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है मैट कलर की कंप्लीट प्रॉपर रूफ ही ऐसी है एंड ये पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ ही शार्प फिन एंटीना मिल जाता है एंड ये स्पॉइलर तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टियर लगता है पीछे वाला। बाकी एक चीज़ और है जो गाड़ियों में बाकी में नहीं होता, रिफ्लेक्टर जो है इसमें फंक्शनिंग में दिए गए हैं कम्प्लीटली। बाकी नीचे की साइड ये पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ स्किड प्लेट दी गई है, चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर जैसे सभी टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। बाकी भाई ओवरऑल लुक तो इसका है ही ह्यूज काफ़ी एंड ये इधर की साइड से फ्रंट से ही क्रोम की फिनिशिंग कंटिन्यू की गई है एंड ये 4x4 वाला मॉडल है तो इसलिए सिग्मा 4 की बैजिंग दी गई है। भाई क्या लगती है ये बैजिंग, मतलब सिग्मा अल्फा सभी कुछ है ये कार। तो भाई अभी एक्सटीरियर के बारे में तो बहुत हो गया, अभी इसके इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। ये है इसकी चाबी, लॉक अनलॉक एंड बूट एक्सेस का बटन, फॉर्च्यूनर की बैजिंग, टोयोटा की बैजिंग एंड स्मार्ट की है काफी। बाकी अभी इसके इंटीरियर में चल के देखते हैं भाई क्या इंटीरियर है इसका एंड क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ एंड सबसे पहले डोर पर देखेंगे तो ये भाई ब्राउनिश कलर की फिनिशिंग के साथ ही सॉफ्ट टचिंग मटेरियल दिया गया है। एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पर है, ऑल फोर विंडो के पावर कंट्रोल मिल जाते हैं, ORVM को भी यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक में ही है। बाकी लॉक अनलॉक स्पीकर एंड यहाँ पर ट्विटर भी दिया गया है। बाकी नीचे की साइड ये स्टेप प्लेट दी गई है, टोयोटा की बैजिंग एंड इसके ऊपर आप पैर रख के इजिली अंदर जा सकते हैं। और भाई यहाँ पर इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन को ऑन कर लेंगे एंड गेट को कर लेंगे बंद एंड सबसे पहले इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। भाई ये देखो, जब इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन होता है ना तो यहाँ पर फॉर्च्यूनर बनी हुई आती है प्रॉपर, बट अगर ये कम्प्लीटली डिजिटल में होता, पूरी एक लाइन सी बनी होती तो ज़्यादा बेटर लगता, बट अभी के लिए एनालॉग वाले ही ठीक है, अपना काम चला देंगे। एंड बीच वाली MID में ही इनफ इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड टायर की पोजिशन किधर की साइड है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी कारों में पता नहीं लग पाता। एंड सभी तरीके की वार्निंग, इंजन वार्निंग वगैरह, टेम्परेचर वगैरह सब यहीं पर ही शो कर देगा। अब क्योंकि ये
ऑटोमेटिक में ही आती है, तो इसलिए भाई ये वार्निंग वगैरह शो कर रहा है कि भाई स्टार्ट करो गाड़ी को, बट हमें स्टार्ट नहीं करनी है अभी। यहाँ पर एनालॉग में इसका टैकोमीटर मिल जाता है, 6000 RPM आ जाते हैं इसमें, एंड यहाँ पर ये इंजन टेम्परेचर गेज दिखा रहा है, एंड फ्यूल गेज यहाँ पर है, एंड स्पीडोमीटर पर 200 की मैक्सिमम स्पीड के साथ दिखा रहा है, एंड बीच वाली MID को आप इन बटन से कंट्रोल कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल भी यहीं पर ही मिल जाता है। एक्चुअली क्रूज कंट्रोल के बटन जो है यहाँ पर नीचे की साइड दिए गए हैं, बाकी कारों में ऊपर की साइड होते हैं, तो मुझे भी लगा ऊपर की साइड हो गए। बाकी स्टेयरिंग व्हील माउंटेड सभी कंट्रोल मिल जाते हैं, कॉल बटन, रिसीव के बटन, मोड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, भाई क्या बात है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, कंप्लीट ऑटोमेटिक कार है, तो इसमें पैडल शिफ्ट का ऑप्शन मिलता है। बाकी ये फ्रंट AC वेंट है, एंड यहाँ पर जो है इंजन प्यूरिफिकेशन के बटन मिल जाते हैं, बूट एक्सिस का बटन मिल जाता है, पार्क असिस्ट का बटन मिल जाता है, बूट को ऑफ करने वाला बटन मिल जाता है। बाकी भाई नॉर्मली जो होते हैं वही हैं सारे फंक्शन, एंड यहाँ की साइड आते हैं तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी की को रख देते हैं, ये ट्विन कप होल्डर मिल जाते हैं, ओपनिंग काफी लग्जरी है इसकी, और भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ना कंपनी काफी ज्यादा अपने डिजाइन को ऐड करती है। एंड यहाँ पर ये इको मोड, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट मोड मिल जाते हैं, 3 ड्राइविंग मोड, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड यहाँ पर ये डिफरेंशियल लॉक का 4x4 वाले ऑप्शन को अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। ऑटोमेटिक कार्स में सब बटन के थ्रू ही चलता है मतलब, एंड यहाँ पर ये आर्मरेस्ट मिल जाती है, अंदर स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, कूल्ड में है कंप्लीट, एंड यहाँ पर सॉफ्ट टचिंग मटेरियल आप देख सकते हैं, लेदरेड कंप्लीटली, सीट अपहोल्स्ट्री भी कंप्लीटली लेदरेड में मिलती है, भाई इतनी महंगी गाड़ी है तो लेदरेड तो बनती भी है। बाकी भाई बात करूं इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में, तो साइज देख लो भाई इसका, थोड़ा और ज्यादा मतलब अपग्रेड होना चाहिए इसको, तो अगली बार जब ये कार इसका नेक्स्ट फेसलिफ्ट या कोई सा नेक्स्ट जनरेशन मॉडल आता है तो ये चीज को कम्प्लीटली अपग्रेड होना चाहिए। बाकी ठीक है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ फीचर अभी भी मिलते हैं, एंड काफी सारे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फोन कनेक्टिविटी जैसे और भी काफी सारे फीचर ऑलरेडी मिलते हैं इस कार में। बाकी ये बटन से सेटिंग करना पड़ता है तो थोड़ा ऑड लगता है। एंड नीचे की साइड आते हैं तो भाई इसमें डुअल जोन में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जो कि भाई गर्मियों के टाइम पर बहुत ही कमाल का फीचर है। बाकी AC कंट्रोल कम्प्लीटली यहाँ पर है, बटन के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, एंड ये नीचे बीच में स्क्रीन सी दी गई है, एंड यहाँ पर जो देखेंगे आप वेंटिलेटर सीट्स के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी USB कनेक्टिविटी एंड चार्जिंग सॉकेट्स जैसे सभी टाइप के फीचर इसमें मिल जाते हैं, 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, ये पावर सॉकेट। बाकी नीचे की साइड ट्विन कप होल्डर की साइड देखेंगे तो वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल जाता है, यहाँ पे इजीली आप अपने फोन को रख के चार्ज कर सकते हैं, कन्वीनियंट फीचर है, काफी प्रैक्टिकल फीचर तो है इस कार के अंदर वैसे। बाकी भाई जब आप इस कार में बैठेंगे तो भाई कुछ इस टाइप का लुक आने वाला है, लेदरेट स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है ऊपर की साइड, ये पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ, एंड नीचे की साइड ये सिल्वर सैटन फिनिशिंग के साथ। बाकी यहाँ पर ये AC वेंट के पास में ही वॉच भी दी गई है, एंड इन AC वेंट की थ्रो भी अच्छी है, एंड ऊपर की साइड ये ऑटोमेटिक में IRPM मिल जाता है ऑटोमेटिक डिमिनिशिंग फंक्शन के साथ, ये ऊपर की साइड सनग्लास होल्डर मिल जाता है, एंड ये आपको लैंप मिल जाते हैं कंप्लीटली LED में ही है, इनके कंट्रोल यहाँ पर है, एंड कोई भी सनरूफ वगैरह यहाँ पर नहीं है, माइक की प्लेसिंग वगैरह सभी यहाँ पर है, एंड लैंप मिल जाता है मिरर के साथ फ्रंट शेड में पैसेंजर साइड, एंड यहाँ पर भी हमें लैंप मिल जाता है मिरर के साथ, जो कि भाई फंक्शनिंग में जलता भी है। एंड बाकी भाई इसके अंदर ग्लव बॉक्स चेक करेंगे तो यहाँ पर दो दो ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, सॉफ्ट टचिंग मटेरियल का यूज़ किया गया यहाँ पर, एक कूल्ड में है एक नॉर्मल है, एंड यहाँ पर कोई भी लैंप वगैरह नहीं है अंदर की साइड। यहाँ पर फॉर्च्यूनर की भाई ये स्टिचिंग वगैरह देखिएगा, वर्किंग मतलब काफ़ी बढ़िया तरीके से ही की गई है। इंटीरियर इसका कम्प्लीटली डार्क थीम के साथ ही दिया गया है, कोई भी बीच फिनिशिंग यहाँ पर नहीं है। बाकी फ्रंट लुक कुछ ऐसा ही है। अभी रियर साइड के बारे में ही बात करेंगे तो भाई रियर पैसेंजर साइड के बारे में बात करेंगे तो डोर आगे जैसे ही है, एम्बिएंट लाइट एंड फॉर्च्यूनर की पैजिंग, सॉफ्ट टचिंग मटेरियल, स्पीकर एंड पेडल लैंप यहाँ पर मिल जाता है, डोर पॉकेट वगैरह सब कुछ प्रॉपर है, एंड यहाँ पर भी स्टेप के ऊपर पैर रख के आप इजीली इनसाइड हो सकते हैं। एंड अभी मेनली इंटीरियर की साइड बैठ के बात कर लेता हूँ कि अंदर क्या क्या मिल जाता है, तो यहाँ पर सीट एडजस्टेबल में आगे पीछे कर सकते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाती है ट्विन कप होल्डर के साथ बेसिकली। बाकी मेनली यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है, पीछे की साइड भी आगे भी बीच में 3 मिल जाती हैं, एंड यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी में भी स्पेस ठीक ठाक है, चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, दोनों टाइप सी में है, स्पेस मिल जाता है, फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, दोनों ही टाइप सी में है, एंड यहाँ पर 5 kg का हुक, ड्राइवर सीट में हमें ये पॉकेट मिल जाती है, AC वेंट ऊपर की साइड है, कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं कंप्लीट, आप यहीं से ही क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं, पीछे की साइड ये लैंप मिल जाते हैं, अगेन LED में ही है कंप्लीटली। बाकी भाई सेफ्टी में बीच वाले पैसेंजर के लिए भी प्रॉपर सीट बेल्ट दी गई है, बाकी कंफर्ट, अंडर थाई सपोर्ट एंड हेडरूम के मामले में काफी बढ़िया है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग जो है कंप्लीटली कंफर्ट एकदम सही है। बाकी अगर कोई बच्चा पीछे बैठता है तो बच्चा ही बैठ पाएगा, कोई बड़ा आदमी नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो हेडरूम है, ना ही लेग स्पेस है और ना ही अंडर थाई सपोर्ट है, बाकी ये बूट स्पेस तो मिल ही जाता है खैर।
एंड ऊपर की साइड ये लैंप मिल जाता है, कंप्लीट हैलोजन में है। एंड सबसे बढ़िया बात, पीछे की साइड में हमें एसी वेंट मिल जाते हैं दोनों। बाकी गाइस पीछे के साइड मैंने बूट स्पेस जो है छोड़ दिया था, तो वो बूट एक्सेस करके दिखाता हूँ अभी। इस बूट को आप तीन तरीके से ओपन कर सकते हैं, एक तो चाबी से, एक आगे से, एंड यहीं पर ये बटन दिया गया है वहाँ पर भी। मैंने चाबी से ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। एंड चौथा तरीका भाई, पैर को भी वेव करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा बच जाता है तीनों ही रो को अपर रखने के बाद भी। दोनों ही साइड यहाँ पर हुक मिल जाते हैं। एंड सबसे बढ़िया बात भाई, बूट स्पेस इसके अंदर जो है इनोवा क्रिस्टा के लगभग ही आसपास ही मिलता है। उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है, 5 लीटर के आसपास ज़्यादा है। इसमें 296 लीटर के आसपास बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है। इस बटन को प्रेस करके आप इजीली इसको बंद कर सकते हैं। एंड सीट के मामले में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, जो कि मैंने मिस कर दिया था बताते हुए। यहाँ पर 7 वे आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल के भी ऑप्शन आपको यहीं मिल जाते हैं। एंड केवल यहीं नहीं, पैसेंजर साइड भी आपको मिल जाते हैं, वहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ अभी। तो इधर की साइड आते हैं तो पैसेंजर की साइड भी हमें जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं कम्प्लीटली। बाकी भाई सेफ्टी के बारे में बात करूँ तो सेफ्टी के मामले में इस कार को ऑलरेडी 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है ग्लोबल एनकैप में। तो मुझे फीचर बताने की भी जरूरत नहीं होगी, फीचर वैसे मैं लिस्ट स्क्रीन पर डाल देता हूँ सेफ्टी फीचर्स के। एंड बात कर लेता हूँ कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि पावर जनरेट करता है 201 BHP की। एंड भाई 500 Nm का टॉर्क इस कार को इतना ज्यादा क्विक बना देता है कि ये कार अपने आप में काफी अच्छी परफॉर्मेंस कार है। कार के अंदर वाइब्रेशन तो है, आई एग्री, बट इस कार के अंदर की जो पावर है ना, वो पावर टू वेट रेशियो एंड एरोडायनामिक्स इस कार को भाई परफेक्ट बनाते हैं। तो इंजन के मामले में तो कोई कहीं से कहीं तक इस कार को कोई कुछ कह ही नहीं सकता, मतलब इसके टक्कर में भी कोई गाड़ी नहीं है इंजन परफॉर्मेंस को लेकर। तो एंड कार हमें 4x4 एंड 4x2 वाले ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल मिलती है। 4x4 वाला मॉडल इसका बहुत ही ज्यादा कैपेबल है ऑफ रोडिंग के मामले में, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है मतलब। बाकी गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको फॉर्च्यूनर लेजेंडर कैसी लगती है। एंड वेल रूमर्स के अकॉर्डिंग ये भी पता चल रहा है कि इसका न्यू मॉडल आने वाला है, बट वो कब तक आएगा अभी उसका कोई अंदाजा नहीं है। अभी तो रूमर्स के अकॉर्डिंग तो ये भी पता लग रहा है कि फोर्ड की एंडेवर वापस आ रही है, बट ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। होता है तो मैं जरूर अपने चैनल पर जरूर बताऊंगा। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहते हैं, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।